रेस्टोरेंट वाले मंचूरियन को भी भूल जाएंगे अगर सोया आलू का ये मंचूरियन को एक बार बना लेंगे तो। ये इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से उबाल ली है, अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये मैंने एक कप सोया चंक्स ली है, आप चाहे तो सोया ग्रैनुल्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब ये सारे सोया को इस पानी में डाल देंगे। सोया को हमें उबालना नहीं है, बस गर्म पानी में इसे कुछ देर छोड़ देंगे, इससे ये सोया अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और तब तक यहाँ मैंने ये दो मीडियम साइज की आलू ली है, तो इसे पहले हम छील लेंगे। आलू यहाँ पे बहुत ज्यादा डालना नहीं है, मतलब ग्रेटेड आलू एक से डेढ़ कप होगा तो ही ये अच्छे से बन जाएगा। तो अगर आप आलू बड़े लेते हैं तो एक ही लेना। और अब ये जो बड़ा वाला छेद है, इसी से ही हम आलू को ग्रेट कर लेंगे, इससे आलू का लच्छे बहुत ही बढ़िया निकलेगा। ये देखिए, अगर छोटे वाले छेद से करेंगे तो इतना अच्छा लच्छे नहीं निकलेगा, आलू का पेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पे हमें उबले हुए आलू भी बिल्कुल भी नहीं लेना है, कच्चे आलू से ही ये अच्छा बनेगा। तो सारे लच्छे मैंने निकाल ली है, अब इसे इस पानी में डाल देंगे। और अभी ये आलू में काफी ज्यादा स्टार्च है, तो इन स्टार्च को हमें पूरा निकालना होगा। ये देखिए, तो क्या करेंगे, आलू को 3 से 4 बार पानी चेंज कर करके धो लेंगे, जब तक पानी साफ ना निकले। ये देखिए, पूरा पानी को मैंने छान ली है, और देखिए ये लच्छे अभी कितना खिला खिला दिख रहा है, तो सारा स्टार्च इसका निकल चुका है। और इधर सोया भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो अभी इसे गर्म पानी से छान के इस बोल में निकाल लेंगे। अगर आप ये सोया को पानी में उबालने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये रेसिपी फिर ठीक से बनेगा नहीं। तो अभी इसमें तुरंत नॉर्मल पानी डाल देंगे और अच्छे से निचोड़ लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, तो तुरंत पानी डाल देने से इसे अभी निचोड़ पाएंगे, तो इसे अच्छे से निचोड़ के ऐसे इसका सारा पानी निकाल देना है। ये देखिए, और फिर इसे डायरेक्ट इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और पीस लेंगे। पीसने के लिए इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो अब ये सारे पीसे हुए सोया को इस आलू के बोल में ही निकाल लेंगे, और इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ गाजर, 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 छोटी चम्मच अदरक, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और लगभग 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। और अभी इसे अच्छे से मिलाते हुए इसको एक डो जैसा बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर को आप एक बार में ज्यादा मत डालना, जरूरत के हिसाब से आप 1-2 चम्मच करके डालना और मिलाते जाना। और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, सोया में और सब्जियों में जितना नमी है उसमें ही ये अच्छे से मिक्सर बन जाएगा। ये देखिए, ये मिक्सर अभी बन चुका है, और देखिए ये बिल्कुल एक डो जैसा बना है, बहुत ही अच्छे से ये बाइंड भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप कॉर्नफ्लोर यूज करी है, और अभी इसे रेस्ट भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम गरम करी है, और अब थोड़ा थोड़ा मिक्सर को लेंगे और इसे अच्छे से दबाते हुए एक बॉल बना लेंगे और इस तेल में छोड़ देंगे। और ऐसे ही कढ़ाई में जितना आएगा उतना ही बॉल्स को डाल देंगे। ये मंचूरियन बॉल्स का साइज आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं, लेकिन इस मिक्सर को बनाने के बाद रेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें आलू है, प्याज है, जो कि नमक मिलाने से पानी रिलीज करता जाएगा, तो मिक्सर का बाइंडिंग ठीक नहीं रहेगा। और तेल में डालने के बाद इसे चलाना भी नहीं है, थोड़ी देर इसे तेल में सेट होने देंगे। और 1-1.5 मिनट बाद जैसे ही ये सेट हो जाए तो इसे एक बार चला देंगे, और अगर नीचे से कोई भी लग भी जाएगा तो उसे निकाल देंगे। और ऐसे ही 2-3 बार बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। ये बॉल्स बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, लेकिन फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखना, इसे ना सिर्फ ये जल्दी से फ्राई होगा बल्कि ये क्रिस्पी भी बनेगा और तेल भी कम सोक करेगा। ये देखिए, ये वाली मंचूरियन बॉल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो अभी इसे तेल से निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी के बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे।
और अब ग्रेवी के लिए ये फ्राई की हुई तेल में से ही करीबन 2 बड़ी चम्मच तेल इस पैन में लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 कटी हुई हरी मिर्च। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें तेल में अच्छे से एक बार चला लेंगे ताकि ये लहसुन और अदरक थोड़ा सा भून जाए। और अब डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ गाजर और 1 छोटी चम्मच नमक। और अब फ्लेम को मीडियम करके इन सारे सब्जियों को थोड़ी देर भून लेंगे। मतलब इन सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा भून के इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही हमें इसे भूनना होगा। मंचूरियन में सब्जियां ऐसे बारीक ही डाला जाता है, लेकिन आप अगर चाहे तो सब्जियों को स्लाइस में काट के भी डाल सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी या फिर स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। ये देखिए सब्जियां अभी काफी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अभी इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे करीब करीब 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। आप चाहे तो पानी कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ड्राई वाला मंचूरियन चाहिए तो आप इसमें सिर्फ 1/2 कप पानी ही डालना। और पानी को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1.5 बड़ी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच विनीगर और 1/2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी डालना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा डाल देंगे तो सॉस का टेस्ट बैलेंस होता है। लेकिन अगर आप चीनी नहीं डाल रहे हैं तो एकदम लास्ट में हो सके तो 1 छोटी चम्मच शहद इसमें मिला देना। और अब मीडियम फ्लेम पर इसमें 1 उबाल आने देंगे। ये देखिए ग्रेवी अभी अच्छे से पक चुका है, तो जैसे ही इसमें ऐसे उबाल आ जाए तो सारे मंचूरियन बॉल्स को इसमें डाल देंगे। और अब लो मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। इसे ग्रेवी का टेस्ट बॉल्स के अंदर तक आ जाएगा। तो ये देखिए मंचूरियन अभी ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन आपको वो रेस्टोरेंट वाली शाइन शायद इसमें अभी नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 1 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें 1.5 से 2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे इस ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छे से इसे अभी ग्रेवी के साथ मिला देंगे और 3-4 मिनट इसे और कुक कर लेंगे। तो देखिए अभी इसमें वो शाइन भी आ चुका है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली मंचूरियन जैसा ये थिक भी बन चुका है। अभी आप इसमें थोड़ी बहुत स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं था तो मैं स्किप कर रही हूँ। बस लास्ट में इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और एक बार अच्छे से मिला देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे लास्ट में ही डालना, इससे इसका फ्रेश जो फ्लेवर है वो मंचूरियन में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये सोया आलू वाली मंचूरियन की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। चलिए मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।